नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के अलग अलग विश्वविद्यालयों से जो 6 बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी। दोस्तों, जितनी भी न्यूज़ है मैं आपको एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ ताकि दोस्तों आपका भी ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट ना हो और मैं भी आप तक है वो सभी न्यूज़ें हैं वो पहुंचा सकूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल ग्रिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों जो मैं अपडेट आपको बता रहा हूँ वो बांसवाड़ा से आ रही है, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी से। यह आप देख सकते हैं, लगातार परीक्षाओं के क्रम से शिक्षक भी परेशान। GGTU की एक महीने तक चलने वाली परीक्षा 5 से 9 दिन में सिमटी, आपदा में छात्रों से खिलवाड़। GGTU एक दिन में एक एक घंटे में करवा रहा है एक साथ 3 पेपर, MLSU करा रहा है हर रोज़ अलग अलग पेपर। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, GGTU में है जो साइंस के विद्यार्थी है या जिनके 3-3 पेपर होते हैं वो एक ही दिन में दोस्तों 3 पेपर करा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में है वो मुश्किलें आ रही है। जबकि आप देख सकते हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर हो चाहे कोटा विश्वविद्यालय कोटा, वो उन्होंने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और निर्णय ये लिया है कि विद्यार्थियों की एक दिन में है वो एक ही जो पेपर है उनकी परीक्षाएँ करवाई जाएगी। ये आप देख सकते हैं, प्रदेश में शुरू हुई विभिन्न विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की मुख्य परीक्षाओं के पैटर्न ने परीक्षाओं के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक ही दिन में 3-3 पेपर देने की हड़बड़ाहट का असर परीक्षार्थियों पर नज़र आ रहा है। वहीं एक ही समय में 3-3 परीक्षा लेने और उनसे जुड़े रिकॉर्ड संधारण की ऑनलाइन प्रक्रिया ने परीक्षा केंद्र के शिक्षकों प्रभारियों के साथ साथ छात्रों की भी सांसें फुला कर रख दी है। करीब एक महीने में पूर्ण होने वाली मुख्य परीक्षा का समय भी इसके चलते 5 से 9 दिन में सिमट गया है। इसका असर मानसिक रूप से है वो बच्चों की तैयारी पर पड़ रहा है। यह आप देख सकते हैं, सामान्य परिस्थितियों में एक विषय का पेपर 3 घंटे में लिया जाता रहा है जो अब कोरोना काल में केवल 1 घंटे का कर दिया गया है। इसके चलते छात्रों ने राहत महसूस की, लेकिन बदले में यूनिवर्सिटी ने पेपर प्रतिदिन संकाय अनुसार 1 से बढ़ाकर साइंस में प्रतिदिन 3 और आर्ट्स में है वो 2 कर दिए। मतलब परीक्षार्थी को अब साइंस के हर विषय के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पेपर को एक दिन में लगातार 1-1 घंटे में सोल्व करना पड़ रहा है। वहीं आर्ट्स के विभिन्न विषयों के प्रथम एवं द्वितीय पेपर को भी एक ही दिन में लगातार सोल्व करना पड़ रहा है। MLSU है वो पेपर का समय घटाया, यह आप देख सकते हैं। GGTU भले ही एक ही दिन में 3-3 पेपर निपटाकर अपने दायित्व की इतिश्री कर रहा है, लेकिन उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया है। वहां जारी टाइम टेबल अनुसार प्रतिदिन हर विषय के 1-1 पेपर को 1.5 घंटे में सोल्व करवाया जा रहा है। इससे छात्रों को भी अगले पेपर के लिए समय मिल रहा है। शिक्षक को 3 पेपर के पारिश्रमिक के स्थान पर 1 ही पेपर का मिल रहा है। यह भी आप देख सकते हैं, GGTU में परीक्षाओं में एक और रोचक बात सामने आई है। जहां प्रतिदिन पेपर होने पर कोरोना काल में शिक्षकों को रोज का परीक्षा मानदेय मिलता है, वहीं अब 3 घंटे में 3 पेपर की परीक्षा होने पर भी 1 ही पेपर के बराबर मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। यह आप देख सकते हैं, पूरी सिलेबस की जगह 1 यूनिट भी ठीक से पढ़े तो छात्र है वो फायदे में रहने वाले हैं। पूरे पेपर में 1 यूनिट अच्छे से याद करने पर छात्र का लगभग सिलेबस कवर हो रहा है। ऐसे में यदि कोई छात्र ठीक से 1 यूनिट भी पढ़ लेगा तो उसके लिए परीक्षा की राह आसान हो जाएगी। दरअसल इस बार परीक्षा में यूनिवर्सिटी ने सभी यूनिट से प्रश्न सोल्व करने और शब्द सीमा की बाध्यता हटा दी है। ऐसे में अच्छे तैयारी से परीक्षार्थियों के लाभ भी होगा, लेकिन एक ही दिन में पेपर होने से है वो विद्यार्थियों की दिक्कत आ रही है और इस पर बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी को ध्यान भी मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए। 3-3 पेपर साइंस के विद्यार्थियों की एक साथ देना छात्रों की मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ है। दूसरी बड़ी अपडेट दोस्तों आप देख रहे हैं सीकर से आ रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेखावाटी विश्वविद्यालय से, कि फाइनल ईयर के एग्जाम है वो आज से हो रहे हैं। टीका नहीं लगाने वाले स्टूडेंट्स को भी है वो एंट्री मिलेगी। 1/2 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा सेंटर पर, पानी की बोतल व सैनिटाइजर भी साथ लाने जरूरी है। और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरिंदम बासु जी ने बताया है कि हर सेंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। एग्जाम में स्टूडेंट्स पानी की बोतल व सैनिटाइजर स्वयं लेकर आएंगे। स्टूडेंट्स को मास्क घर से ही लगाकर आना होगा। स्टूडेंट्स को एग्जाम शुरू होने से 1/2 घंटे पहले है वो परीक्षा केंद्रों पर पहुँचना होगा। और स्टूडेंट्स के बैठने के लिए कक्षों में भी है वो 2 गज की दूरी का दोस्तों है वो विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेखावाटी विश्वविद्यालय के लिए आ रही है। साथ ही साथ मैं बता दूं 11 परीक्षा केंद्र है वो निरस्त कर दिए गए हैं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए। कुलपति ने बताया है कि इस बार 11 ऐसे परीक्षा केंद्र निरस्त किए हैं जिसमें सिर्फ स्नातकोत्तर के परीक्षा केंद्र बनाए हुए थे, उन्हें पहले स्नातक के केंद्र लेने के लिए कहा गया है, तभी PG के परीक्षा केंद्र अलॉट किए जाएंगे। कोविड के चलते लंबे इंतजार के बाद स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाएं हो रही है। गत वर्ष भी फाइनल ईयर के ही एग्जाम करवाए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट सीकर से आ रही है।
तीसरी दोस्तों आप बड़ी अपडेट देखें तो जयपुर से आ रही है, वैसे तो राजस्थान विश्वविद्यालय से है, लेकिन ये अपडेट दोस्तों राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये मानकर चलिए। यह आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय बंद फिर भी छात्रों से कोविड खर्चों की पूर्ति, स्टूडेंट्स आए नहीं, पार्किंग खेल लाइब्रेरी सहायता के नाम पर है दोस्तों वो फीस वसूली जा रही है। यह आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की परीक्षा शुल्क से करीब 150 करोड़ से ज़्यादा राशि मिली है। इसके अलावा एडमिशन शिक्षण शुल्क के अलावा भी हर छात्र से 1000 रुपये की फीस ली जाती है। हर छात्र से ली जाने वाली यह फीस करीब 1000 रुपये से ज़्यादा की है। यूजी पीजी में करीब 10,000 सीटें में हैं, ऐसे में यह राशि ही 1 करोड़ से ज़्यादा की हो जाती है। छात्र संगठन फीस कम करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी विश्वविद्यालय में सालों से छात्रों की क्वेश्चन मनी भी जमा है। यह आप देख सकते हैं अभिषेक चौधरी जी ने क्या कहा है, कोरोना में संस्थान बंद होने के बावजूद पार्किंग लैब लाइब्रेरी जैसे शुल्क लेना मनमानी है, फीस को है वो कम करना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति पर भार ना पड़े। क्वेश्चन मनी के रूप में भी आप देख सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी में सालों से छात्रों की क्वेश्चन मनी जमा है। काफ़ी कम छात्र कोर्स पूरा होने के बाद लेने आते हैं। आरयू में ग्रेजुएशन के छात्रों से 310 सामान्य वह 310 प्रयोगशाला क्वेश्चन मनी ली जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में 230 प्लस 230 क्वेश्चन मनी है। इसके हिसाब से हर साल नए छात्रों से करीब 57 लाख रुपए क्वेश्चन मनी जमा होती है। नियमानुसार कोर्स के बाद छात्र इसको वापस ले सकते हैं। नॉन कॉलेजिएट से दोस्तों आप देख सकते हैं विमर्श शुल्क भी है वो लिया जाता है। यह आप देख सकते हैं पिछले साल आरयू को परीक्षा शुल्क से मिले 150 करोड़ रुपये में डेवलपमेंट और विमर्श शुल्क भी शामिल है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 90 करोड़ से ज़्यादा है। नॉन कॉलेजिएट छात्रों से परीक्षा शुल्क के अलावा 1000 रुपये विमर्श शुल्क वसूला जाता है। इस साल यूजी पीजी के 210,000 छात्र नॉन कॉलेजिएट या परीक्षा फीस के अलावा 21 करोड़ तो विमर्श शुल्क ही है। इधर आप देख सकते हैं जो प्रोफेसर राजीव जैन जी है उनका इस पर क्या कहना है, किसी भी तरह की फीस में इस साल बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, सरकार से भी निर्देश मिल चुके हैं। रही बात फीस के साथ इन शुल्क की, तो यूनिवर्सिटी के खर्चे बढ़े हैं। परीक्षा कार्यों में डिस्टेंसिंग के लिए सेंटर बढ़ाना, परीक्षक बढ़ाना, सैनिटाइजेशन वगैरह पर खर्चा बढ़ाए, फिर मार्कशीट भी सभी को जारी की जाएगी, स्टाफ की भी है वो कमी नहीं की गई है। इसलिए दोस्तों इनका तर्क है कि हमने फीस को है वो कम नहीं किया है लेकिन बढ़ाया भी नहीं है। चौथी बड़ी अपडेट दोस्तों आप देख सकते हैं जो आ रही है वो 10 अगस्त से स्किल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होने वाली है। कोरोना की वजह से स्थगित हुई राजस्थान IELTS स्किल यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो 10 अगस्त से शुरू होने वाली है। परीक्षा नियंत्रक मोहम्मद हुसैन ने बताया है कि भी वोक और एम वोक कोर्स के तीसरे पावर सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ हैं वो 10 से 23 अगस्त के बीच होगी। परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, छात्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद में जो पंचम सेमेस्टर की बाकी बची परीक्षाएं हैं वो भी करवाई जाएगी। कुलपति ओम थानवी ने परीक्षा के दौरान सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में वो इस बार फीस नहीं बढ़ेगी। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में फीस नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव NL मीणा जी नारायण लाल मीणा जी ने वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय को पत्र लिखा है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि COVID-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण सभी औद्योगिक व व्यापारिक संस्थानों के साथ ही सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय बंद रहे हैं। इससे अभिभावकों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है, इसलिए इस बार है वो किसी भी तरह की फीस में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। पांचवी बड़ी अपडेट दोस्तों आप कोटा से देख सकते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी में जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो 16 से होने वाली है। 1.5 घंटे का पेपर होगा। टाइम टेबल के बारे में दोस्तों मैंने वीडियो पहले से ही बना दिया है। यह आप देख सकते हैं कोटा यूनिवर्सिटी की ओर से फाइनल ईयर की परीक्षाओं का टाइम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यूजी और पीजी फाइनल ईयर की जो परीक्षाएँ हैं वो 16 अगस्त से होने वाली है। यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर प्रवीण भार्गव जी ने बताया है कि परीक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होगी। पेपर 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का रहेगा। 3 खंडों में ये पेपर प्रिंट होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को हल करने में यूनिट की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। साथ ही 50% अंक तक के कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं, जैसे 100 अंक वाले पेपर में 50 अंक, 80 अंक वाले पेपर में से 40 अंक, 70 अंक वाले पेपर में 35 अंक, 75 अंक वाले पेपर में 38 अंक तथा उसी अनुपात में अंक विभाजन के निर्देश होंगे और प्रवेश पत्र है वो अगले सप्ताह तक दोस्तों वो अपलोड कर दिए जाए। तो ये बड़ी अपडेट कोटा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए आ रही है। इसके साथ ही ये भी आप देख सकते हैं कि JNVU यानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में भी आज से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। 29,000 से ज़्यादा जो छात्र है वो एग्जाम है वो दोस्तों देने वाले हैं और जो प्रवेश पत्र है वो वेबसाइट पर पहले ही जारी कर दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं JNVU स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं गुरुवार यानी आज से शुरू हो रही है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर KR गेंदवा ने बताया है कि नियमित स्वयंपाठी, भूतपूर्व श्रेणी प्रतिशत सुधार व पूरक परीक्षाओं की स्टूडेंट्स की ये परीक्षाएँ होगी। इस वर्ष कुल 29,129 स्टूडेंट परीक्षाएँ देंगे। जोधपुर शहर में 18 केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते भी गठित किए गए हैं।
बीएससी तथा बीसीए फाइनल ईयर की परीक्षाएं गुरुवार को शुरू होगी। वहीं बीए फाइनल एवं बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र इतिहास राजनीति विज्ञान फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुक्रवार से, बीकॉम बीबीए अंतिम वर्ष बीकॉम ऑनर्स बीएससी फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो 21 अगस्त से तथा बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो 23 अगस्त से होने वाली है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में राजस्थान विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, सीकर विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय और जीजीटीयू से संबंधित बड़ी अपडेटें आपके सामने बता दी है। और भी कोई अपडेट राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।